ये उत्तर प्रदेश परिवहन की बस है, ये कोई मोटरसाइकिल नहीं, ना ही बिना हेलमेट इस बस ड्राइवर का चालान कटने वाला है। लेकिन इस बस की हालत ही ऐसी है कि जिसे चलाना किसी स्टंट से कम नहीं। ऐसे में ड्राइवर साहब ने अपने स्तर पर एक तरकीब निकाल ली और हेलमेट पहनकर ही बस को सड़क पर दौड़ा दिया। बरसात के मौसम में भागती बस कब खुद जीवन का साथ छोड़कर भाग जाएगी, इसका भी भरोसा नहीं है। लेकिन ड्राइवर ने जो इसे दौड़ाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेर भी लिया। एक अखबार की कतरन को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, बिना शीशे की जानलेवा बस को चलाने की अनुमति किसने दी? उत्तर प्रदेश परिवहन की इस बदहाली के लिए क्या बोले? थैंक यू का कोई विलोम होता है क्या? अखिलेश यादव का ट्वीट जमकर वायरल है। ऐसे में यूपी तक ने जानने की कोशिश की कि आखिर इस वीडियो की असलियत क्या है। दरअसल मामला गाजियाबाद के लोनी डिपो का है। यूपी तक की टीम ने बात की यहाँ के सीनियर फोरमैन भूदेव सिंह से। उन्होंने बताया कि जब बस आई तब पता चला कि इसका एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। भूदेव जी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बस का शीशा टूटा हुआ है, बस ड्राइवर हेलमेट पहनकर ड्राइविंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कर ली है गाड़ी, अभी 4:15 पर शाम को आई तो हमने गेट पर जब इसे चेक करा तो इसके दोनों शीशे नहीं थे। तो हमने जब चालक से पूछा कि ये क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि एक अनुबंधित गाड़ी से लग गई थी जिसका एक शीशा टूट गया है जो गाड़ी में रखा है, एक टूट गया है और इसके एक लाइट डैमेज भी है और ये सो दबी हुई है, ये चालक ने हमें बताया। अच्छा, क्या जिस दौरान बस रोड पर चल रही थी क्या बस के अंदर यात्री थे या नहीं थे? उस चीज की मुझे मालूम नहीं उस टाइम पे, क्योंकि हम तो यहाँ गेट पे जब आती है जब गाड़ी को चेक करते हैं ये। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? बाकी जानकारी। अच्छा, बरसात का मौसम है उसके बावजूद भी ड्राइवर महोदय बस चला रहे थे, बस के अंदर यात्री थे या नहीं थे वो बड़ा सवाल है। क्या बिल्कुल भी मतलब डर नहीं था कि बरसात का मौसम है, जान को खिलवाड़ भी हो सकता है? ये तो देखो, उनसे अब जवाब तलब करा जाएगा उनको। अब गलती किसकी है ये तो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग खोजे। लेकिन गुरु, इसे बस मत कहिए, सीधे सीधे यमराज की सवारी है। गाजियाबाद से मैं गौर की रिपोर्ट, यूपी तक।